बलरामपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चार चोरों को दबोचा। सरकारी पाइप पर चोरों ने किया था हाथ साफ। 4,50,000 रुपए के पाइप ले उड़े थे चोर। जल जीवन मिशन के तहत होनी थी बोरिंग। पुलिस ने बजरंगी, अंशुल यादव, खादिम रसूल और सुभाष गुप्ता को किया गिरफ्तार। 10 अगस्त को हुई थी पाइप की चोरी। पुलिस कर रही थी चोरों की तलाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पाइप किए बरामद। सुंदरघाट जंगल से बरामद किए गए हैं चोरी के पाइप। पुलिस SS इंफ्रा कंपनी के सुपरवाइजर की कर रही है तलाश। देवनाथ बुजुर्ग थाना इलाके के बेथुइया गांव का है मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बलरामपुर के देवनाथ बुजुर्ग थाना इलाके से आ रही है, जहां बेथुइया गांव में शातिर चोरों ने बीती 10 अगस्त की रात 4,50,000 रुपए के पाइप चोरी कर लिए थे। इन पाइप से जल जीवन मिशन के तहत गांव में बोरिंग होनी थी। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए सारे घोड़े दौड़ा दिए और चार शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बजरंगी, अंशुल यादव, खादिम रसूल और सुभाष गुप्ता को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए पाइप बरामद किए हैं। पुलिस ने सुंदरघाट के जंगल की झाड़ियों से ये पाइप बरामद किए हैं। तो अभी पुलिस कई शातिर मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। थाना क्षेत्र गेड़ास बुजुर्ग के ग्राम बेथुइया में 10/8/23 को एक चोरी की घटना घटित हुई, जिसमें वादी मुकदमा श्री अरुण कुमार, जो कि दारा नीमो के मैनेजर हैं बलरामपुर में और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये बोरिंग का कार्य करवा रहे हैं, तो इनके अपनी जोन है जो इको टोल है और SS के इंफ्रा है। इस चोरी की घटना में जल जीवन मिशन से संबंधित जो 77 पाइप थे वो चोरी गए थे, जिसकी कुल कीमत 16,00,000 रुपये थी। इस घटना के संबंध में तत्काल ही गेड़ास बुजुर्ग थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया और प्रभारी गेड़ास बुजुर्ग और क्षेत्राधिकारी कुथरौला इनकी टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 23 पाइप बरामद किए गए हैं। पूरी घटना के अनावरण में ये जानकारी आई कि इसमें SS इंफ्रा के कर्मचारी इस घटना में शामिल थे और उनकी विधि विगत से ये चोरी हुई थी, जिसमें एक बियर की दुकान के सेल्समैन और 2 कबाड़ी हैं खातिम और शुभम गुप्ता, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ माल जो है वो इनके द्वारा जो है पंजाब भेज दिया गया है, जिसमें जो शेष अभियुक्त हमारे इस पूरी घटना में जिनका नाम आया है उनकी गिरफ्तारी और जो शेष माल है उसकी बरामदगी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में 4 अभियुक्त जिनकी निशानदेही पे 23 पाइप बरामद हुए हैं उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।